अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर ऑनलाइन। दोस्तों, क्लास चल रही है जी प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्रामिंग की क्लास में जो हमने टूल किट पढ़ी है, जिसे हम C++ के प्रोग्राम लिखते हैं, वो दिन ब दिन जो है वो हमारी टूल किट में इजाफा होता चला जा रहा है और हम नई नई चीज़ें जो हैं उसके अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास जो हमारी 17 है, इसमें भी हम अपनी टूल किट में एक नया इजाफा करेंगे, और वो जो टूल किट के अंदर हम टूल का इजाफा कर रहे हैं वो है जी पॉइंटर। तो चलिए हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी जो पिछली क्लास है उसके अंदर क्या चीज़ें सीखी थी। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी एरेज के ऊपर, और पिछली जो हमारी 2 से 3 क्लासेस गुजरी हैं उसके अंदर हमने एरेज के बारे में ही पढ़ा था, और जो स्पेशली हमारी पिछली क्लास थी क्लास 16, इसके अंदर हमने बात की थी कॉपी ऑफ एरे की, कि हम एक एरे को दूसरी एरे के अंदर कॉपी कैसे करते हैं। उसके साथ ही हम लोगों ने बात की थी जी मल्टी डायमेंशनल एरे की, कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स वगैरह बनाना पड़े तो हम उसके लिए मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और वो फिर उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। और फिर हम लोगों ने बात की थी जी करेक्टर एरे की, क्योंकि हम पिछली 1-2 क्लासेस से जो है सिर्फ बात कर रहे थे ऐसी एरेज की जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब इंटीजर्स को स्टोर करती थी, नंबर्स को स्टोर करती थी। फिर जो है मैंने आप लोगों को करेक्टर एरेज के बारे में बताया, और साथ के साथ ही उनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है वो भी बताया, और उनको इनिशियलाइज, मतलब हम वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, उसके भी 2 से 3 मेथड आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। और एट द एंड मैंने आपको कुछ सैम्पल प्रोग्राम करके दिखाए मल्टी डायमेंशनल एरे के हवाले से, और आपको एक प्रोग्राम मैंने करेक्टर एरे के हवाले से भी करके दिखाया, और साथ ही मैंने आपको एक्सरसाइज दी। मुझे उम्मीद है कि जो भी हम एक्सरसाइजेज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही जो है प्रोग्रामिंग वो अच्छे से समझ आती है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर जो है हम कौन से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की क्लास के जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेसिकली पॉइंटर्स, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि पॉइंटर्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं C++ के अंदर, और उसके साथ जो है हम लोग ये भी देखेंगे कि एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है, और एंड के ऊपर जो है मैं एक सैम्पल प्रोग्राम रिलेटेड टू पॉइंटर आपको करके दिखाऊंगा, और आखिर में जो है मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जो आप लोगों ने खुद से कोड करनी है, और फिर मुझे अगली आइंदा आने वाली क्लास में चल के मुझे बताना है कि आप लोगों ने उसको ठीक से कोड किया या नहीं किया। चलिए जी, हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और बात करते हैं जी पॉइंटर्स की। पॉइंटर्स क्या हैं जी? पॉइंटर आर स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। ये भी वेरिएबल की तरह एक स्पेशल टाइप वेरिएबल हैं, जैसे हमारे एरे थी वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल थी, इन विच मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड। उनके अंदर जो है मेमोरी का जो एड्रेस है वो स्टोर किया जाता है। दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस नॉट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेमोरी के जो है एड्रेस उसको स्टोर करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है उसको स्टोर नहीं करते हैं। सम टाइम वी कॉल इट कॉल बाय रेफरेंस। हमने जब फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद होगा हमने कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था और कॉल बाय रेफरेंस पढ़ा था, तो ये पॉइंटर जो है वो सेम उसी प्रोसीजर के ऊपर काम करते हैं जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस था, और उसका मैंने आपको प्रोग्राम भी करके दिखाया था। इट हैव टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। एक इसमें हमारे पास जो है वो डायरेक्ट रेफरेंस है, एक जो है हमारे पास इनडायरेक्ट रेफरेंस है। अब जो डायरेक्ट रेफरेंस है वो कैसे है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी इंट। इंट जो है वो इसकी डेटा टाइप है, एक्स वेरिएबल का नाम है, और उसको वैल्यू असाइन कर दी है 10। तो ये हमारा है डायरेक्ट रेफरेंस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इनडायरेक्ट रेफरेंस की। इनडायरेक्ट रेफरेंस में देखें, इंट हमारी रिटर्न टाइप हो गई, और ये स्टेरिक आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ XPTR लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा एक पॉइंटर है, और उसकी जो वैल्यू है वो भी 10 है। इसमें हम लोग ऊपर वाली एग्जाम्पल के अंदर जो है
directly उस value को access कर रहे हैं, but if we are talking about the indirect reference, इसमें हम जो है उस location का reference हासिल कर रहे हैं जिसके ऊपर 10 जो value है वो पड़ी हुई है. तो दोस्तों ये बात हो गई जी pointers की. अब चलिए हम लोग साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि इन pointers को हम declare कैसे करते हैं. The pointers are declared in a specific way. इनका भी एक सिंटेक्स है C++ के अंदर इनको डिफाइन करने का या डिक्लेयर करने का. द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर इज, फॉर एग्जांपल है, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं जी डेटा टाइप, और डेटा टाइप लिखने के बाद ये लगाते हैं स्टेरिक, और स्टेरिक लगाने के बाद हम लोग लगाते हैं नेम, और फिर वही सेमी कॉलन. वो हमारी हर लाइन के एंड पे जैसे चला आ रहा है वो वैसे ही रहेगा. इसके बाद देखें यहाँ पे हमारा ये स्टेरिक है, ये स्टेरिक हमने ज़रूर लगाना है, इसके बगैर हमारा वो पॉइंटर कंसीडर नहीं किया जाएगा. और फिर नेम की जगह पे आपने नेम ऑफ पॉइंटर लिखना है. अब नीचे मैंने आपको लिखकर भी दिखा दिया, देख जैसे इंट है, इंट इसकी डेटा टाइप है, स्टेरिक लगाया, और माई पी टी आर जो है, माई पी टी आर उस पॉइंटर का नाम है जिसको मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, और एंड के ऊपर जो है वो मैंने सेमी कॉलन लगा दिया. इसके बाद आगे देखते हैं जी आगे क्या है दोस्तों. आगे है एक एड्रेस ऑपरेटर. अब एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी पॉइंटर का एड्रेस हासिल करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं. आपने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका आपने एड्रेस गेट करना है. तो बाय यूजिंग द पॉइंटर वी हैव गेट द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल बाय यूजिंग द एड्रेस ऑपरेटर. हम एड्रेस ऑपरेटर को पॉइंटर के साथ इस्तेमाल करके जो है उस वेरिएबल का जो एड्रेस है जिस लोकेशन के ऊपर वो सेव है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं. अब जो एड्रेस ऑपरेटर है जिसको हम एंड एंड ये जो आपका लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है इफ अलामत से जाहिर किया जाता है, इसके लिए हम डबल एंड इस्तेमाल नहीं कर सकते. अगर हम डबल एंड लगाएंगे तो वो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर ए एंड डी एंड बन जाएगा. अगर हमने एड्रेस हासिल करना हो तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से है. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें इंट, इंट डेटा टाइप हो गई, स्टेरिक के साथ माई पी टी आर ये पॉइंटर है हमारा, और इंट एक्स इज इक्वल टू 10. अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, नीचे एक लाइन लिखी हुई है जी स्टेरिक माई पॉइंटर, ये हमारा पॉइंटर है, और इक्वल इसको हम असाइन कर रहे हैं, एंड जो है वो ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर है इसको यूज कर रहे हैं, और साथ मैंने वेरिएबल का नाम एक्स लिख दिया है. इट मींस कि वी आर असाइनिंग द वेरिएबल एड्रेस लोकेशन टू द पॉइंटर, कि हमने ये जो एक्स एक वेरिएबल है ये किस एड्रेस के ऊपर स्टोर हो रहा है उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो हमने अपने पॉइंटर को असाइन कर दी है. और जब हम लोग दोस्तों ये प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियरली करके भी दिखाऊंगा, और बल्कि वहाँ पे मेमोरी एड्रेस जो है वो एक्सेस करके आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके भी दिखाऊंगा. तो चलिए आगे देखते हैं जी आगे क्या है. आगे दोस्तों है हमारे पास एक सैंपल प्रोग्राम. अब सैंपल प्रोग्राम क्या है, राइट अ C++ प्रोग्राम इन विच यू हैव डिक्लेयर एन एरे. आपने एक एरे डिक्लेयर करनी है एंड अ पॉइंटर, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है. देन कन्वर्ट द एरे इन टू द कैपिटल लेटर, आपने जो है एरे वो कन्वर्ट करेगी आपकी एरे जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर, मतलब बड़े अल्फाज के अंदर. इट मींस के वी हैव डिफाइंड द एरे ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग आर करेक्टर टाइप की हम जो है एरे वो डिफाइन करेंगे, एंड प्रिंट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, और फिर जो रिजल्ट हैं वो आपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाने हैं. तो चलिए जी हम अपना प्रोग्राम करते हैं और ओपन करते हैं जी डेव C++. हमने स्टार्ट के बटन पे जो है क्लिक करना है, और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है वो हमारा जो है डेव C++ हम वहाँ से ओपन कर लेंगे. तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं जी हम लोगों ने जी स्टार्ट के बटन पे क्लिक किया, और स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद मैंने डेव C++ के ऊपर क्लिक कर दिया, और हमारे सामने जो है डेव C++ का प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया. डेव C++ का जब प्रोग्राम ओपन हो गया तो हम न्यू के बटन पर क्लिक करके सोर्स के फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी न्यू सोर्स फाइल जो है वो बन जाएगी, और इसके अंदर हम लिखेंगे आज एक प्रोग्राम जो हमारा कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग को
कैपिटल लेटर के अंदर हम शुरू करते हैं जी इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिखने के बाद वही यूजिंग नेम स्पेस एफटीडी और हमने अपना मेन जो फंक्शन है वो शुरू किया और उसकी बॉडी के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले ऊपर जो है यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ और मैं लिख देता हूँ जी डिक्लेयर एरे। यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ जी और उसको वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। तो हमने चार टाइप की एक एरे डिक्लेयर करनी है और एरे का जो नाम है वो मैं रख रहा हूँ जी एफ अब बल्कि ए। अब ये हमारी एक एरे डिक्लेयर होगा और इसका साइज जो है वो हम रख रहे हैं जी 50 और उसको मैं वैल्यू एक असाइन करने जा रहा हूँ। वैल्यू जो है आप लोगों को पता है कि हम ब्रेसिस के अंदर करते हैं। यहाँ पे ब्रेसिस मैंने डाली और उसमें इन्वर्टेड कॉमास और वहाँ पे मैंने लिखा जी वेलकम टू टीचर्स ऑनलाइन और एंड पे मैंने सेमी कॉलन डाल दिया। तो ये हमारी एक एरे डिक्लेयर हो गई और साथ ही डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एरे। उसके बाद हम लोग एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर लेते हैं डिक्लेयर पॉइंटर। यहाँ पे मैं इसको पॉइंटर लिख लेता हूँ जी। अब पॉइंटर हमने कौन सा लेना है वो भी हमने करेक्टर टाइप का एक मैं पॉइंटर ले रहा हूँ और स्टैरिक लगाया। स्टैरिक लगाने के बाद मैंने पॉइंटर का नाम रखा जी माय पॉइंटर और इसको जो है मैं असाइन कर रहा हूँ हमारी वो जो ऊपर एरे हमने डिक्लेयर की है वो पूरी की पूरी जो है इसको असाइन कर रहा हूँ। ए जो है यहाँ पे मैंने लिखा और सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये हमारी जो ऊपर हमने एक एरे डिफाइन की है वो इसको असाइन हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलाते हैं जी एक व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को देखें मैं दे देता हूँ हमारा पॉइंटर और इसको ये कहता हूँ कि आप जो है वो प्रिंट करवाओ फिर पॉइंटर और इक्वल ब्रैकेट शुरू पॉइंटर। अगर हमारा जो पॉइंटर है वो है ग्रेटर देन ए मतलब कि हमारे पॉइंटर के अंदर अगर ए या इफ कोई बड़ी वैल्यू पड़ी है तो वो क्या करे एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ एंड ये दो बार लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वी आर यूजिंग ए एंड एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब वो एक कंडीशन ये चेक करेगा कि पॉइंटर के अंदर अगर वैल्यू है ए से बड़ी एंड के बाद हम लोग फिर लगाते हैं एक पॉइंटर और पॉइंटर लगाने के बाद फिर मैंने लिखा लेस देन आर इक्वल टू जेड। अगर हमारी जो वैल्यू है वो ए से बड़ी है यहाँ पे ये एंड और माई पॉइंटर लेस देन आर इक्वल टू जेड कि अगर हमारी जो वैल्यू है वो ए से बड़ी है और जेड के बराबर या जेड से छोटी है तो वो इस चीज को चेक करे। इस चीज को चेक करने के लिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और उसके बाद मैं कहता हूँ कि जी पॉइंटर और पॉइंटर के बाद लिखता हूँ जी माइनस 32 क्योंकि जो हमारे अल्फा बैट हैं अंग्रेजी हरूफ तहजी के वो 32 हैं और कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद जो है बल्कि मैं इसको एंटर करके एक नई उस पर ले लेता हूँ लाइन के ऊपर क्योंकि रिजल्ट तो हमारे सेम आने हैं। यहाँ पे आ गए जी यहाँ पे 32 आ गया और उसके बाद फिर मैंने लिखा कि वो जो है अगर यहाँ पे हमारे 32 से लेस करे और पॉइंटर मैंने लिख दिया और इसको सेमी कॉलन लगा दिया तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केसेस के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट की सूरत में कन्वर्ट अपर या कैपिटल वर्ड्स ठीक है। उसके बाद जो है मैं करता हूँ कि माय पॉइंटर यहाँ पे माय पॉइंटर फिर मैं पेस्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ जी इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस। तो ये जो है वो सबसे पहले चेक करेगा कि हमारी अगर एरे के अंदर ए है या
उससे जेड से नीचे हैं उन सबको चेक करेगा, और 32 से लेस हैं तो उनको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर के अंदर। अब इसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे? प्रिंट करवाने के लिए हम लोग बाहर लिखेंगे जी अपने लूप पे सी आउट और लेस देन, और मैंने लिखा जी यहाँ पे दी स्ट्रिंग आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्जन इज, और फिर मैंने एक स्पेस डाल दी और सेमी कॉलन लगाया, और सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे फिर सी आउट लेस देन, और जो हमारा वेरिएबल है ए है, जो एरे है उस ए को हमने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया। और इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ जी सेव, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं, और इस प्रोग्राम का हम नाम रखते हैं जी क्लास 17, क्योंकि हमारी एक क्लास है आज वो 17 चल रही है। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको कर लेते हैं जी कंपाइल। कंपाइल पे जब हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखें हमारे पास एरर जो है वो भी जीरो आ गया, और वार्निंग है वो भी जीरो आ गया। तो हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें क्या आउटपुट देता है। अब यहाँ पे देखें हमने लिखा था जी वेलकम टू 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, बल्कि ये 24/7 ये नुमेरिक हो जाएगा, तो हम अल्फ़ाबेट के ऊपर ही रहने देते हैं क्योंकि उसने अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना है इनटू द कैपिटल लेटर। तो हम इसको दोबारा कंपाइल कर लेते हैं। दोबारा कंपाइल करने के बाद हमने इसको जब रन किया तो आप स्क्रीन पे देखें हमारे सामने जो है वो वेलकम टू टीचर्स ऑनलाइन वो कैपिटल लेटर के अंदर जो है हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो ये है दोस्तों हमारा आज का प्रोग्राम। हम जो है अपनी एक्सरसाइज जो है इसके बाद मैंने आपको देने दी। एक्सरसाइज दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि आपने एक C++ का प्रोग्राम लिखना है, उसमें आपने भी वही काम करना है, एक एरे डिक्लेयर करनी है, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना है जो आपकी एरे को कन्वर्ट करेगा इनटू कैपिटल लेटर, बट ऑन दैट कंडीशन के यू हैव गेट दैट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। आपने जो है वो जो स्ट्रिंग, जैसे मैंने वेलकम टू टीचर्स ऑनलाइन लिखा था, वो वाली जो फिटरिंग है वो आपने लेनी है यूजर से बाय यूजिंग द सी इन कीवर्ड, क्योंकि हम जो इनपुट लेते हैं C++ के अंदर वो हम सी इन का कीवर्ड यूज करके उसके जरिए लेते हैं। तो आपने सी इन का कीवर्ड यूज करना है, वो फिटरिंग लेनी है आपने यूजर से, उसको एक एरे के अंदर स्टोर करना है, और फिर दी विद द हेल्प ऑफ दीज एरे एंड पॉइंटर यू हैव टू कन्वर्ट दिस एरे इनटू द कैपिटल लेटर एज वेल एज इनटू द स्मॉल लेटर। अगर आपने कैपिटल लेटर के अंदर एरे एंटर किया तो वो स्मॉल में कन्वर्ट कर दे, आप इस प्रोग्राम को और मॉडिफाई कर सकते हो और खूबसूरत बना सकते हो। दोस्तों घर जाइए, इस प्रोग्राम को कोड कीजिए और अगली आइंदा आने वाली क्लास में मुझसे शेयर कीजिए। दोस्तों हम जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो क्या सीखा। दोस्तों आज हमने बात की है जी पॉइंटर्स के ऊपर, और इसमें हमने देखा कि हम एक पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, और फिर हम लोगों ने एड्रेस ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। एड्रेस ऑपरेटर के बारे में जो है हमने कोई प्रोग्राम नहीं करके दिखाया, वो आइंदा आने वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि एड्रेस कैसे गेट करते हैं। और फिर हमने एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने एक एरे को जो है वो कन्वर्ट किया इनटू द कैपिटल लेटर, और फिर मैंने एंड पे आपको एक एक्सरसाइज दी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग जो है अब तक प्रोग्रामर बन गए होंगे, क्योंकि हमारी टूल किट जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आप लोग कोड भी कर रहे होंगे, प्रॉब्लम बना के खुद से सॉल्व भी कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट्स की सूरत में अपना फीडबैक दीजिए ताकि और मैं वीडियोज को इम्प्रूव कर सकूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और मोहसिन भाई को अगली वीडियो आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।